आज मैं आपको क्लास 12th हिंदी के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा कि वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, राइट। तो शुरू करते हैं कि आपका जो 12th क्लास होता है, 12th क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो हमारा गद्यांश होता है और पद्यांश होता है। मतलब क्या है, गद्यांश दिए होते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में से और उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो हमें उनसे छांट करके लिखना होता है। इसी तरीके से पद्यांश होते हैं तो उनमें से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो वो क्या क्या गद्यांश हैं, क्या क्या पद्यांश हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मेरा ये दावा है कि 100% आपको इनमें से आपके पेपर में जरूर मिल जाएंगे। और ये सब आप तब बताएंगे जब आप फर्स्ट पेपर देकर के आएंगे तो कमेंट में लिखेंगे, राइट। तो आइए मैं आपको उन गद्यांश और पद्यांशों के बारे में बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गद्यांश की। तो गद्यांश में जो आपका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, इसमें मैंने दो को चूज किया है। एक है हमारा साहित्य कला नृत्य से लेकर के स्वास्थ्य कर है तक, और इसी का एक दूसरा हम ले लेते हैं पूर्वजों ने चरित्र से लेकर स्वागत करते हैं तक। इन दोनों को अच्छे से तैयार कीजिए। और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अशोक के फूल, अशोक के फूल से हमें लेना है मुझे मानव जाति से लेकर के बाद की बात है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, तो भाषा और आधुनिकता में से हमें लेना है भाषा स्वयं संस्कृति से लेकर के आवश्यकता है। और इसका जो नेक्स्ट है वो है विज्ञान की प्रगति स्पोतिन है। तो आप में ये जो है ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लें ये 2019 के लिए, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा उसका है निंदा रस। तो निंदा रस में मैंने दो को लिया है, पहला है आपका ईर्ष्या द्वेष से लेकर के क्या दंड चाहिए, और फिर दूसरा है निंदा का उद्गमन ईर्ष्या होती। तो इसमें आपकी दोनों जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी न किसी सेट में इनमें से एक रखा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें हमारा ऑप्शन होता है, दो दिए जाते हैं, दो में से एक करना होता है। और इसी तरीके से हमारे पद्यांश में भी दो दिए जाते हैं, दो में से एक करना होता है। और सबसे बड़ी बात ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स के होते हैं। जो हमारा गद्य का होता है वो 10 मार्क्स का होता है, और जो हमारा पद्य का होता है वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो आपके 10 मार्क्स और 10 मार्क्स इक्वल टू 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, बड़े आराम से आप 20 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लेते हैं पद्यांश में से। तो पद्यांश में हमें लेना है सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें जो हमने पहला लिया है वो है लज्जाशील से लेकर के तप्त भूतांगना को, और इसका जो दूसरा है मतलब वो है कि कोई प्यारा कुसुम से लेकर के चूमना चाहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो फर्स्ट वाला है इसको आप जरा अच्छे से करिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड की परीक्षा में पूछ ही लिया जाएगा, किसी ना किसी सेट में आपको ये रखा हुआ मिलेगा, राइट। इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त के पाठ में से आपको है कहते आए थे से लेकर के अवागनी रानी तक, और दूसरा है हमारा नरक सखी से लेकर के भर लाए तक। ये दो बहुत अच्छे हैं और इनको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद में डरो मत अरे से लेकर के सकल समृद्धि तक, और इसी का हम दूसरा ले लेते हैं कौन तुम से लेकर के मन का आलस्य तक। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट चैप्टर सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत में से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी पेपर बनता ही नहीं है, अरे निष्ठुर परिवर्तन से लेकर के दंड मंडल तक। तो ये आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल ही लीजिए और ये आपको 2019 के एग्जाम में 100% मिल जाएगा। इसके बाद में जो हमारा महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा का है हमारा पंथ होने दो से लेकर के दीप कैला, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का है देवालय में देवता नहीं त्रिलोक विजय का है। तो ये जो है हमारा रामधारी सिंह दिनकर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। तो कुल मिला के मैंने गद्यांश के कुछ चैप्टर्स लिए और पद्यांश के कुछ चैप्टर्स लिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं कहूंगा कि जब आप एग्जाम देकर के आएंगे
तब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि समय कम है और कम समय में अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं तो इसी तरीके से तैयारी करनी होगी। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए, ठीक है, और तैयारी में लग जाइए। क्यों? क्योंकि कम समय में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ नंबर लाने हैं, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा क्या, एग्जाम देकर के आप आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हिंदी का कुछ नया चैप्टर लेकर के। जय हिंद, जय भारत।